So we start with the final class, final keyword. Final keyword is used for security reason. It is used to create a class. It is used to create a class that serves as a standard. Okay, it means what? When you define a class as final, you cannot subclass a final class. You cannot override a final method. A final variable is constant. A method and data member in a final class are implicitly final. Final keyword is used for security reason. It is used to create a class that serves as a standard. It implements the following restriction. You cannot subclass a final class. You cannot override a final class. Final variable is a constant. All method and data member in a final class are implicitly final. Okay. माने गोटे क्लास को जदि हमें फाइनल डिफाइन करिवा से क्लास को हमें सब क्लास करि परिवा नाही बा इनहेरिटेंस पास करि परिवा नाही कोनोसी मेथड को जदि मो फाइनल डिफाइन करू छी से मेथड ता चाइल्ड क्लास रे यूज करया जाई परिवा नाही इफ यू डिफाइन ए वेरिएबल एज फाइनल गोटे वेरिएबल को जदि मो फाइनल डिफाइन करू छी से वेरिएबल ता एज अ कांस्टेंट हिसाब रे काउंट हो So you can set a final variable once only, but that assignment can occur independently of the declaration that is called as a blank final variable. हमें final variable को थोड़े मात्रा declare करिवा, but ये तो हमें assign करिवा, हमें जिकोनों से जगह चाहिए तो को assign करी परिवा. So that is called as a blank final variable. So you cannot set a final variable once only, but that assignment can occur independently. Of the declaration that is called the blank final variable. Final variable that is not initialized in its declaration, it is initialization is delay. Okay. Then, मने जब तब लामे variable टा define करीबा final variable टा define करीबा, आर दो time of declaration जो ते आमे तको initialization ना करुँजे, ताले आमे तको कहीबा blank final variable. So blank final variable कहाँ को कहाजीबो? जदि गोटे वेरिएबल को मु फाइनल डिफाइन करूची बट आर द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जदि मु ताको इनिशियलाइजेशन न करूची ताले ताको हमें ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बोली कहिबो इट कैन सेट ओनली वन्स हमें वेरिएबल ब्लैंक फाइनल वेरिएबल ता जदि हमें डिफाइन करूची एटा केवल थरे मात्र यूज करि हबो आको हमें रीइनिशियलाइजेशन करि परिबा नै तेन गोटे वेरिएबल को जदि हमें फाइनल डिफाइन करू छे त सेटा कंसीडर हुए एज अ कांस्टेंट हिसाब रे सो नाउ चेक हियर द एग्जांपल देखिबा एबे
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରୁ देखिए सीधा एग्जाम्पल Java final variable. Let's see this example. We define class bike 9. Class bike 9. Here I define final int speed limit 90. Eti gote variable define kara hala. Final speed limit 90. A variable speed limit ta ko mu final define kali. Final define kala pare. ए फंक्शन भीतर जितने मुझे रीइनिशियलाइजेशन अगेन करुची एटा मते एरर देखेब तो वन्स यू डिफाइन ए वेरिएबल एज फाइनल इट कैन नॉट बी रीइनिशियलाइज रे रीइनिशियलाइजेशन होबो नै तबरे म तारा ऑब्जेक्ट बनेले ऑब्जेक्ट थ्रू रे म रन फंक्शन को कॉल करू हला त जितने कॉल करुची एटा मते एरर शो करिवो एटा होची कम पे एरर आसीला फाइनल वेरिएबल टा एठी डिफाइन हला 90 देखो आउथरे म रीइनिशियलाइजेशन करू बुझी पाइलो गिरजा आ गया सर तापर आ गोडे देखो एठी एग्जांपल ऑफ फाइनल मेथड क्लास बाइक एठी गोडे फंक्शन टाको मु फाइनल डिफाइन करली फाइनल वॉइड रन फंक्शन तो ये फाइनल कहूची जे जदी गोटे फंक्शन को हमें फाइनल डिफाइन करिवा ताको जदी हमें चाइल्ड क्लास रे यूज करिवा से अगेन हमको एरर शो करियो तो एटा गोटे फंक्शन रहला पब्लिक वॉइड रन फंक्शन एटा मो चाइल्ड क्लास रे यूज करू छी जतरा चाइल्ड क्लास रे यूज करू छी एटा एरर शो करिवो ए शो करी देखेबो जे दैट इज कंपाइल टाइम एरर बिकॉज़ ए फाइनल फंक्शन कैन नॉट बी यूज इन द चाइल्ड क्लास रे सेटा यूज करियो बने तापर रहला कोनो
आ गोटे मु क्लास डिफाइन कले जावा फाइनल क्लास माने गोटे क्लास को मु फाइनल डिफाइन कर देले गोटे क्लास को फाइनल डिफाइन कला परे अगेन जदि मु ताको इनहेरिट करूची बा इनहेरिटेंस पास करूची अगेन मते एटा शो एरर शो करिवो द कंपाइल टाइम एरर देखिवो एज बिकॉज हमर ए जो वेरिएबल टा अछि माने हमे जो फाइनल जदि क्लास टा को फाइनल डिफाइन करूचे सेटा रीइनिशियलाइजेशन हे माने सेटा इनहेरिट हे परिवो नाही फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी इनहेरिटेड सेती पई भी सेटी एरर शो कला तापर रहला क्लास बाइक आगो टाइम डिफाइन करले क्लास बाइक फाइनल वर्ड रन ओके एटे देखेला रनिंग देखेला ओके सो न्यू होंडा टू रन ओके फाइनल रन एटे रन फंक्शन हमें डिफाइन करले एक्सटेंड सेला पर हमें एको कॉल करले न्यू होंडा टू रन माने से कहू छी जे इज फाइनल मेथड इनहेरिटेड एटे हमर को एटे हमर चाइल्ड जो गोटे क्लास को जदि हमें फाइनल डिफाइन कर जे सेटा इनहेरिट करी होबो ने एठी कौन हला ना जदि मु गोटे क्लास को फाइनल डिफाइन करूची ओके इज द फाइनल मेथड इज इनहेरिटेड फाइनल मेथड टा इनहेरिट होउची की द आंसर इज व्हाट यस फाइनल मेथड इज इनहेरिटेड बट इट कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिट माने हमें चाइल्ड क्लास रे यूज करि परिबा किंतु ताको ओवरराइड करि परिबा ने ओवरराइड माने ताको इंप्लीमेंट करि परिबा ने एटे रहला क्लास बाइक फाइनल वर्ड रन एटे रनिंग रहला क्लास होंडा टू एक्सटेंड्स फ्रॉम बाइक एटे मो रन फंक्शन को कॉल करले न्यू होंडा टू रन रन को मो कॉल करू छी एठे से एरर शो करियो के एटा मते एरर शो करियो काहे कि एरर शो करियो ना सॉरी एटा हमें इनहेरिट करि परिबा सेटा क्वेश्चन कोन देला से कहू छी जे इज फाइनल मेथड इनहेरिटेड फाइनल मेथड इनहेरिट हबो इनहेरिट माने आमे केवल कॉल करि परिबा किंतु ताको नुवा फंक्शनालिटी दे परिबाने द क्लास बाइक फाइनल वर्ड रन रहला रन ताको केवल कॉल करा हला माने चाइल्ड क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाहिनी न्यू कीवर्ड थ्रू रे आमे रन फंक्शन को कॉल करले एटा केवल इनहेरिट हे परिबो किंतु आमे चाइल्ड क्लास रे ताको नुवा फंक्शनालिटी दे परिबाने पर नेक्स्ट एग्जांपल ब्लैंक फाइनल वेरिएबल सो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल टा से कोन कहला ए फाइनल वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इट इज नोन एज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल गोटे वेरिएबल टा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जदि हमें ताको इनिशियलाइजेशन न करूचे ताले ताको कह जीव ब्लैंक फाइनल वेरिएबल इफ यू वांट टू क्रिएट ए वेरिएबल दैट इज इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट एंड वंस इनिशियलाइज मे नॉट बी चेंज इट इज यूजफुल फॉर एग्जांपल एडि हमें यूज करले कोन एडि देखो क्लास बाइक 10 फाइनल आईएनटी स्पीड लिमिट हमें फाइनल वेरिएबल एटे डिफाइन करले किंतु डिफाइन कला परे हमें एठी देखो इनिशियलाइजेशन करले नि यदि हमें इनिशियलाइजेशन न करूचे आको कोहा जीव कोन ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बोली कोहा जीव ओके तो एटा ब्लैंक फाइनल वेरिएबल टा कोठी इनिशियलाइजेशन हबो ना कंस्ट्रक्टर क्लास रो कंस्ट्रक्टर भितरे एटी इनिशियलाइजेशन करा गरो एटी बाइक 10 एटे क्लास रहला एटी तरह कंस्ट्रक्टर रहला आ भितरे हमें इनिशियलाइजेशन करले ओके देन नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट कांसेप्ट इज स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल ए स्टैटिक फाइनल वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल A static final variable that is not initialized at the time of declaration is known as static blank final variable. Okay, माने गोटे static variable हमें define करीबा at the time of declaration जब यहाँ में तक कोई initialization ना करो चे तले आपको कुछ आजीबा static blank final variable static final int data तो ये जो final variable टा हमारा define करा हला आपको initialization करिया पे हमें गोटे static block use करले static data is equals to 50 तो ये जगह हमें वैल्यू टा को इनिशियलाइजेशन करले इनिशियलाइजेशन कला परे एटी हमें कोन कला को कॉल करले a dot data एटा हला क्लास नेम डेटा को कॉल करा हला तले 50 टा मते शो करियो
এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ব্ল্যাঙ্ক ফাইনাল ভেরিয়েবল, এ ভেরিয়েবল দ্যাট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ স্ট্যাটিক অ্যান্ড ইট ইজ ইনিশিয়ালাইজ ইন দ্য স্ট্যাটিক ব্লক। তারপরে আসিবা ফাইনাল প্যারামিটার। ফাইনাল প্যারামিটারটা কোন রয়েছে না, যেমতিকি এটা রহিলা গোটে ক্লাস রহিলা বাইক ইলেভেন, এটি গোটে ফংশন মু ডিফাইন কলি আইএনটি কিউ, আ ভিতরে ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করা হলা কোন না ফাইনাল আইএনটি এন, এটি গোটে ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করা হলা ফাইনাল আইএনটি এন, গোটে ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করা হলা তো এন ইজ ইকুয়ালস টু এন প্লাস টু, এটি গোটে ডিফাইন করা হলা এন ইজ ইকুয়ালস টু এন প্লাস টু। ওকে এন ইজ ইকুয়ালস টু এন প্লাস টু অর্থ হলা মুই যে বাইক ইলেভেন, বাইক ইলেভেন র অবজেক্ট বনাইলি নিউ বাইক ইলেভেন, যেতলে অবজেক্ট বনাউছি এটি কোন হব না আইএনটি ডি ইজ ইকুয়ালস টু বি ডট কিউব ফাংশন, মানে এই যে কিউব ফাংশনটাকে মু কল করি, কল করি কি মু 5 টাকে পাস করিবি, এ 5 টা কোটি স্টোর হই যাব, এন এ স্টোর হই যাব, এন এ স্টোর হলা পরে এগেইন মু তাকো এটি কোন করছি না এন ইজ ইকুয়ালস টু এন প্লাস টু লিখুছি। আচ্ছা এটি যে এন টা ডিফাইন করা হয়েছে, এন টা কোন না এন টা হচ্ছে গোটে ফাইনাল ভেরিয়েবল, এটি আমি দেখো অ্যাড করছি, তাহলে অ্যাড করছে ইট ক্যান নট বি চেঞ্জ, এই ভেরিয়েবল ভ্যালুটা কেবে চেঞ্জ হব না, তেণু যেতলে আমি কোনসি ফাইনাল ডিফাইন করিবা তা ভ্যালুটা চেঞ্জ হব না, এটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক ফাইনাল ভেরিয়েবল। বুঝেলা ফাইনাল কনসেপ্টটা? আজ্ঞা স্যার। আজ্ঞা তারপরে আসিবা আমি ই নম। ই নম টাইপ ফিল্ড কনসিস্ট অফ ফিক্সড সেট অফ সিম্বল, ই ক্যান ডিফাইন দ্য ই নম টাইপ বাই ইউজিং ই নম কিওয়ার্ড। ই নমটা হচ্ছে কোন না এটা হচ্ছে গোটে প্রি ডিফাইন লিস্ট, যেমতি কি আমি রেস্টুরেন্ট যা, রেস্টুরেন্ট ভিতরে আমি গোটে লিস্ট দিব, তা ভিতরে আমি আইটম সর্চ করিবা কো আইটমটা খাইবা, যে আইটমটা খাইবা আমি লিস্ট ভিতরে হি সর্চ করিবা পড়িব। তো ই নমটা হচ্ছে গোটে টাইপ ফিল্ড, যেমন ডাটা টাইপ আমি কইপারিবা আরে কইপারুছে, এটা বি গোটে টাইপ ফিল্ড, আদরে কিছু ফিক্স সেট অফ ভ্যালু রয়েছে। তো ই নম টাইপ ফিল্ড এটা রইলা সানডে, মনডে, টিউজডে, ওয়েনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, স্যাটারডে, এসব ভ্যালু রইলা। ই নম ক্লাস বডি ক্যান ইনক্লুড দ্য মেথড অ্যান্ড অদার ফিল্ড, দ্য কম্পাইলার অটোমেটিক আর সম স্পেশাল মেথড ওয়েন ইট ক্রিয়েট এ ই নম। ওকে তো ই নমরে কম হুয়ে না ই নম রু ভ্যালু রিট্রাইভ করিয়া পে আমি কিছু স্পেশাল মেথড ইউজ করু, সে স্পেশাল মেথড ই নমটা অটোমেটিক্যালি রিট্রাইভ করি দিও। ওকে আ পাই ই নম পাই কোনসি আমি প্রি ডিফাইন মেথড ইউজ করিবা নাহি, তো ই নম পাই ই নমটা অটোমেটিক্যালি আমরা মেথডটা আসে java.lang.enum, since java doesn't support the multiple inheritance enum cannot extend anything else. ওকে এটি ই নমটা আমাকে কোনসি ভ্যালু শো করিবা নাহি। এটি enum class body can include the method and other field, the compiler automatically add some special method when it create the enum, all enum implicitly extend from java.lang.enum. okay the automatic jehetu ei jo enum ta java.lang package ru asuchi sethi pai amaku enum jete bela ame use koruche konosi package by import statement likhibaku padibo nai, jemti ki ame স্ক্যানার ক্লাস পাই ইম্পোর্ট স্টেটমেন্ট লিখুছে, তো এটি স্ক্যানার ক্লাস পাই ইম্পোর্ট স্টেটমেন্ট আমি লিখিবাকু পড়িব নাই, বাই ডিফল্ট ইট ইজ অটোমেটিক্যালি এটি অ্যাড হয়ে যাব, অল ইনম ইমপ্লিসিটলি এক্সটেন্ডস ফ্রম java.lang.enum, সিন্স জাভা ডাজন্ট সাপোর্ট মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স ইনম ক্যানট এক্সটেন্ড এনিথিং এলস। আচ্ছা এবে আমি দেখিবা ইনম র এক্সাম্পল আমি দেখিবা,
enum operating system, we pass here Windows, Unix, Linux, Macinto. Ethi ame enum ta define kale enum, enum name is operating system. Then we define here enum object, operating system OS, operating system OSS RA. Okay, ethi ame operating system ra object banale OS. आउट डिफाइन करले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ओएसएस आरे ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वैल्यूज सो हमें वैल्यूज मेथड यूज कला परे ई नम रे जहा जहा एलिमेंट अछि एटा आसे के स्टोर हैला ओएसएस आरे रे स्टोर हैला ई आरे रे हमर स्टोर हैला ओके आरे रे जत बले स्टोर होउछि ई नम रो सब एलिमेंट को हमें रिट्राइव करिया पई हमें यूज करले फॉर लूप ओके तो प्रथमे हमें enum रा ऑब्जेक्ट बनेले आ गोटे ऑब्जेक्ट बनेले OSS आरे enum ता देखो केमदी डिफाइन कराला enum ऑपरेटिंग सिस्टम एटा क्लास बाहर हमें डिफाइन करले enum रो वैल्यू को रिट्राइव करिया पे हमें टी यूज करले वैल्यूज मेथड एठी जहा जहा वैल्यू अछि एटा रिट्राइव हे के आसी के स्टोर हैला OSS आरे रे तापर हमें यूज करले एनहांस फॉर लूप यूज करले फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम ए कॉलन OSS तो OSS भीतर जहा भी वैल्यू अछि आसी के ए रे स्टोर हैला ये मते सब एलिमेंट देखैला तापर जो मो ओएस ऑब्जेक्ट डिफाइन करी छी ओएस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वैल्यू ऑफ एडा वैल्यू ऑफ यूज करले एडा विंडो जोटा अछि विंडो एडा जाके चेक हवा असे तो यदि मैच हे जाउ छी एटी देखो एटी विंडोज असे एटी विंडोज त एटा मैच हला ने त एटी एरर शो करियो ओके यदि मैच हे जीवो तले देखबो योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे एटी विंडोज एटी पास करू छी रनला तो ई नम रो जहा जहा एलिमेंट अछि देखला विंडोज यूनिक्स लिनक्स मैसेंटो शो कला आ हमें जो विंडोज पास करले त मैच हे गला त देखला योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज जदी मो एठी चेंज कर दउ छी एठी विंडोज जगह रे मो विंडो पास करू छी देन कोन आसीओ देखो देखा मतलब सब एलिमेंट देखे देला विंडो यूनिक्स लिनक्स मैसेंटो देखे देला किंतु एठी मते जेतेबेले मु पास करू छी से कोन देखेबो ना एठी एरर से करेबो नो enum कांस्टेंट फाउंड बुझ पाइला प्रोग्राम का मैंने बुझ गेला नी आज्ञा सर बुझला
is another example. Enum operating system, Windows, Unix, Linux, Macintosh. ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଏସ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ତ ଏଠି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏଇ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲା ୟୋର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏଟାକୁ ରନ୍ କରିବା Your operating system is Windows. That was another example. Okay. Okay, so next class, right? I'll go put it up.